नीचे। अरे अरे लुकाकू क्यों रन ले रहा है यार, नहीं भाई बॉल छोड़ यार, तू कंट्रोल देख यार, कंट्रोल भाई, कंट्रोल देख यार तू। और उसी फुट से मारा भाई, तो गुस्सा क्यों हो रहा है बाप। हाइप डबू में, एड्रेनालिन रश हो रहा है मेरे अंदर अभी। किंग का है भाई, किंग का है भाई, फिर से दिखा रहा हूँ कंट्रोल, यहाँ क्या कंट्रोल है। काय हैवर्ट्स ओपी इन चैट बॉयज, काय हैवर्ट्स ओपी इन चैट, मतलब क्या कंट्रोल, क्या फिनिश भाई, जॉर्जिनियो की शानदार बॉल। और इसी तरीके के मोमेंट्स चाहिए होते हैं कभी कभी किसी गेम को सेटल करने के लिए, और काय हैवर्ट्स ने भैया दिखाया है कि ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर, और जब ज़रूरत होती है टीम को तो भाई पिछले कुछ मैचेस में तो ही हैज़ रियली स्टेप्ड अप हिज गेम। और आज मैच की अगर बात करूँ तो यार आई थिंक इट वॉज अ पाउंड फॉर पाउंड, मतलब बहुत ही इंटेंस एक मैच, काफ़ी फिजिकल थी न्यूकासल, 90 के 90 मिनट बहुत मुश्किल पैदा कर रहे थे चेल्सी के लिए, कॉम्बिनेशन प्लेस बनाना मिडफील्ड में, स्विचेस ऑफ प्ले करना। बट तो आप देखें अगर इट वाज मोर डाउन टू द स्ट्रक्चर, क्योंकि 4-3-3 के साथ हम गए थे जो हम यूज टू नहीं है खेलने के लिए, और फुल बैक जो थे हमारे चालोवा और सार, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशन करना काफ़ी मुश्किल। ऑन द बॉल क्वालिटी आप जानते हैं कि दोनों की, मतलब चालोवा हैज़ डिसेंट क्वालिटी बट सार की उतनी नहीं है अच्छी, और वो इंसाइसिव पासेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस हम नहीं कर पा रहे थे। ये सब सेकंड हाफ में होने लगा जब हम कोवाचिच को लेके आए एज अ सब्स्टिट्यूट, और थोड़ा सा हमको दिखा कोवाचिच कांटे, जॉर्जिनियो ने किस तरीके से मिडफील्ड की जो है वो होल्ड बना ली थी। न्यूकासल ने परेशान बहुत किया चेल्सी को, बट क्लियर कट चांसेस कुछ ज़्यादा बनाए नहीं, क्लियर कट चांसेस चेल्सी के पास थे। टीमो वर्नर ने लेट डाउन किया फाइनल थर्ड में, थोड़ा सा अब ये कंसिस्टेंट हो गया है टीमो वर्नर के साथ, तो थोड़ा यहाँ पर डिसअपॉइंट है चेल्सी फैंस, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत सारे चेल्सी फैंस डिसअपॉइंटेड है मेरी तरह। लुकाकू को मुझे लगा आज की स्टार्ट मिल सकती, क्योंकि नॉरिच के अगेंस्ट भी हैवर्ट्स ने पूरा गेम खेला था, और आज भी हैवर्ट्स ने पूरे 90 मिनट खेले हैं, और काफ़ी टाइम से हैवर्ट्स जो हैं सारे मैचेस खेलते आ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि शायद लिल के अगेंस्ट जो है हैवर्ट्स को स्टार्ट कराएंगे अभी मिड वीक में, जो चैंपियंस लीग का मैच है, तो हो सकता है उनको रेस्ट दिया जाए और लुकाकू का आज का मैच स्टार्ट कराया जाए। लकी थी चेल्सी, दो कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट्स जो हमारे फेवर में गए, एक तो जो हैवर्ट्स का डैन बर्न के ऊपर चैलेंज था, वो हो सकता है रेड कार्ड भी दिया जा सकता था उसको, तो वहाँ हम लकी रहे एक, और एक जो चालोबा ने फाउल किया था बॉक्स के अंदर, आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी, शुड हैव बीन गिवन अ पेनल्टी, जैसा मैंने वॉच अलॉन्ग पे भी कहा था। तो पहली बार फॉर अ चेंज लक थोड़ा सा हमारे फेवर में जाता हुआ, VAR हमारी साइड में होता हुआ, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स आज तो, बट अगेन इनकंसिस्टेंट है VAR, जो गलती है उसको तो हमको कॉल आउट करना ही पड़ेगा, बट ठीक है रेफरी की गलती की वजह से और VAR की गलती की वजह से हम लकी रहे, लेकिन आई स्टिल थिंक कि वी डिजर्व टू विन द गेम, वी क्रिएटेड द बेटर चांसेस सेकेंड हाफ में, हम थोड़ा सा ब्रेव भी थे बॉल पर, स्पेशली वेन कोवाचिच केम ऑन, और सेकेंड गोल भी मारना चाहिए था हमको राइट एट द एंड गेम को सील करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इतनी इंटेंस लीग है, इतनी इंटेंस टीम्स है, और न्यूकासल अगर आप देखेंगे तो 2022 की अगर आप टेबल बनाएंगे तो लिवरपूल फर्स्ट है, सेकंड पे न्यूकासल है, बहुत अच्छे रन ऑफ फॉर्म में थी न्यूकासल, दिसंबर के बाद अपना पहला गेम हारे हैं ये, तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, और वो थर्ड प्लेस को कंसोलिडेट करने के लिए जो एक हमको मोमेंटम चाहिए वो हमने बना लिया। लगातार 5 विंस हो गई हैं हमारी प्रीमियर लीग में, जैसे भी है स्क्रैपी विंस हैं, ग्राइंड कर रहे हैं रिजल्ट्स, बट अच्छा है हम बने हुए हैं अभी भी वो थर्ड प्लेस पे, हमारी जो है काफ़ी मतलब एक पकड़ अच्छी बनती जा रही है, हम अभी भी लेट डाउन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कंप्लेसेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि आर्सेनल भी जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही, उन्होंने भी आज लेस्टर को हरा के लगातार 5 विंस कंप्लीट कर ली हैं प्रीमियर लीग में, और अगर वो अपने सारे गेम्स इन हैंड जीत जाती हैं तो 2 पॉइंट पीछे रहेंगे चेल्सी से, तो सिर्फ तो ना केवल आर्सेनल बट मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो है अभी टॉप 4 की रेस में बनी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। बट अगेन एक छोटा सा रिएक्शन है, रिव्यू में ज़्यादा करने के मूड में था नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था भाई जिस तरीके से हमने गेम को क्लिंच किया ना 89th मिनट में, और वो हैवर्ट्स का क्या कंट्रोल था भाई, क्या कंट्रोल, क्या कंपोजर, क्या फिनिश, मज़ा आ गया देख के, तो आई एम वेरी हैप्पी, और ऑब्वियसली लक हमारे साथ था आज, एज आई से मतलब वो मिलनी चाहिए थी पेनल्टी न्यूकासल को, और वो शायद रेड कार्ड भी हो सकता था,
बट ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स, हम जीत गए, 3 पॉइंट हमारे आ गए, एंड लेट्स होप कि लिल के अगेंस्ट जो है वो हम अच्छा खेलें और गेट द जॉब डन. 2-0 की हमारी और लीड है, तो देखते हैं आगे क्या होता है. बार्सिलोना भैया ऑन द अदर हैंड आर एब्सोल्युटली बॉलिंग, एब्सोल्युटली स्टीम रोलिंग देयर अपोनेंट्स. आज ओसासुना से मैच था और शानदार तरीके से जो है 4-0 की विक्ट्री हासिल करी है बार्सिलोना ने. फेरान टोरेस ने दिखाया है भैया की व्हाट क्वालिटी ही हैज़. बहुत ज़्यादा स्लेंडर किया गया था उनको फालतू में, नेपोली अगेंस्ट जो फर्स्ट लेग में उनका हाउलर रहा था. ठीक है यार, प्लेयर है, कभी कभी ऐसे गेम्स होते हैं कि आप मिस करते हैं बहुत सारे चांसेस, लेकिन आज काफ़ी क्लिनिकल रही बार्सिलोना और एक दो गोल मार सकती थी इजीली. डेम्बेले फॉर मी वॉज द मैन ऑफ द मैच, जिस तरीके से भाई डेम्बेले ने आज दिखाया है, बिल्कुल चढ़े हुए थे यार डेम्बेले, टोरेस और ओबामेयांग. मतलब मैं तो सोचता हूँ कि डेम्बेले डिजर्व द गोल, जितने अच्छे अच्छे उनको चांसेस मिले. रिकी पूज ने भैया एक गोल स्कोर कर दिया है, मच नीडेड गोल. बहुत खुश थे बार्सिलोना फैंस, मुक्तेश के साथ में मैच देख रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट रिकी पूज स्कोर्ड. ओबामेयांग गॉट हिज गोल, और ओबामेयांग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. मैंने पहले भी कहा था अभी से लेके सीजन एंड तक ओबामेयांग पे नज़र ज़रूर रखें, ही विल बी ऑन द स्कोर शीट वेरी ऑफन फॉर बार्सिलोना. और वही दिखा रहे हैं एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म है. चावी इज बिल्डिंग अ रियली स्पेशल टीम, और बार्सिलोना फैंस को होप करना चाहिए कि मेसी जो हैं, तो जैसे हमने कल भी बात करी थी कि जैसे पीएसजी के फैंस ने बू किया मेसी को और वो सब चीज़ें हुई, तो आई थिंक बार्सिलोना शुड ट्राई टू गेट बैक मेसी, और मेसी बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे सिस्टम में. वो कैसे होंगे क्या होंगे वो एक अलग सेपरेट पॉडकास्ट और वीडियो में, एक फॉल्स नाइन की तरह बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं मेसी सिस्टम में मेरे हिसाब से. तो मतलब बार्सिलोना के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर मेसी को वो ले आते हैं किसी तरीके से, बट डेफिनेटली दे आर बिल्डिंग समथिंग रियली स्पेशल. और सबसे अच्छी बात है इस बार्सिलोना की टीम की कि डिसीजन मेकिंग में ना बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है. मतलब वो हमको दिखता है ट्रेडिशनल बार्सिलोना टीम का स्टाइल ऑफ प्ले, कि भाई हर बंदे को पता है उसका रोल क्या है, उसका टीम मेट कहाँ है, कितनी देर बॉल अपने पास रखनी है, कब बॉल रिलीज़ करनी है, कौन से चैनल्स में आपके टीममेट्स प्रेजेंट होंगे. तो ये सब इस बार्सिलोना टीम से धीरे धीरे देखने को मिल रहा है. चावी ने भैया बहुत बढ़िया काम कर दिया है, मतलब हैट्स ऑफ भाई, मतलब इतने कम टाइम में इतनी जल्दी रिपेयर कर दिया इस टीम को, तो भाई शानदार, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया. आपको क्या लगता है दोनों गेम में हु वॉज योर स्टैंड आउट प्लेयर, और क्या लगता है आपको कि प्रीमियर लीग में टॉप 4 रेस में कौन फिनिश करेगा, एंड लालीगा में इस बार्सिलोना सेफ, मतलब क्या बार्सिलोना ने कर दिया है इनफ काम. मुझे तो ये लगता है बार्सिलोना विल डेफिनेटली फिनिश इन टॉप 4. मुझे तो ये भी लगता है कि माइट फिनिश इन सेकंड प्लेस, सेविया ने पॉइंट्स ड्रॉप करें तो देखते हैं क्या होता है. बट स्टिल काफ़ी सीजन बचा है अभी, चैंपियंस लीग बची है, यूरोपा लीग बची है, लीग में 10-10 गेम बचे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस अभी होने वाले हैं. क्लासिको भी आ रहा है भैया, तो देखते हैं क्या होता है. चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.